हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के रेसिपी सीरीज में हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा और बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और हमें भी बहुत पसंद आता है। तो आज हम रेसिपी सीरीज में बनाएंगे मसाला खिचड़ी। और इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स मिलाया जाता है और कैसे बनाते हैं हम मसाला खिचड़ी, आइए देखते हैं और कैसे बनाते हैं। आगे की प्रोसेस में हम देखेंगे। हमने रखा ये एक ग्लास चावल, इसे हमने भिंगा के नहीं, आप खिचड़ी में ऐसे भी खिचड़ी बना सकते हैं, भिंगाया नहीं है। ये दो बड़े साइज के आलू कट करके रखे हुआ है। और ये है एक कटोरी गोभी, एक कटोरी है हमारा मटर, तीन से चार है हरी मिर्च, छोटा मीडियम साइज में कटा हुआ दो प्याज, एक कटोरी है ये दाल, मिक्स दाल है, अरहर और मसूर का मिक्स दाल है ये। और ये है अदरक और लहसुन का कूटा हुआ क्रश किया हुआ पेस्ट, ये है एक चम्मच छोटे चम्मच चौथाई चम्मच ये जीरा, ये है एक चम्मच छोटे चम्मच से ये सॉरी ये काली मिर्च, ये जीरा, ये है हल्दी पाउडर एक चम्मच, और ये है एक चम्मच हमारा धनिया पाउडर, और एक चम्मच छोटा चम्मच है हमारा लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि जो हम खिचड़ी बनाएंगे उसमें अगर मसाला भी ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मीठा होना चाहिए। और ये हम थोड़ा सा तड़के के लिए लिए हैं हल्का गरम मसाला, क्योंकि हम मसाला खिचड़ी बनाने वाले हैं। और ये है हमारा नमक स्वाद अनुसार, और ये है ऑयल जो आपके घर में यूज होता है वो आप कर सकते हो। ये चावल है और ये दाल को हम पहले इसको धो लेंगे, साफ कर लेंगे। ये हमने धो लिया है, दाल और चावल को धो लिया है, हम कुकर के अंदर इसको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा पानी कम है, पानी और ऐड करेंगे इसके अंदर। पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, चाहे खिचड़ी लगे ना नीचे। इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी, ढक देंगे हम। ये हमने गैस ऑन कर लिया है और खिचड़ी को एक सीटी लगने तक को उबालेंगे। खिचड़ी में ज्यादा सीटी नहीं लगानी है, नहीं तो ज्यादा गीली हो जाती है वो। और इधर हम अपना सब्जी जो है वो उसे तैयार करेंगे। कढ़ाई गर्म हो रहा है हमारा, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम ऑयल सब्जी को फ्राई करने के लिए, बनाने के लिए। तेल में से अभी गर्म नहीं हुआ तेल, अभी बुलबुले नहीं आ रहे तेल में, ये हमने इसमें ऐड कर दिया सूखे गरम मसाले जो हैं। इसको हम चटकने देंगे। गरम मसाला ये जो है ब्राउन हो चुका है, अब ऐड करते हैं इसमें हरी मिर्च, अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर प्याज, इसको थोड़ा हल्का गोल्डन होने तक को फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसको, फिर अपना फ्लेम कर देंगे गैस का जो। प्याज हमारा गोल्डन हो गया है, अब इसके अंदर हम गोभी ऐड कर देते हैं। पहले से हमने गोभी को धो के भून के साफ करके रखा हुआ था, और इसके साथ ही हम इसको ऐड कर देंगे ये आलू, और ये हमारा मटर, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये हमारा आलू और गोभी हल्का भुन गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। आप चाहे तो और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद हो। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा नमक,
इसे सब्जी के हिसाब से। ये देखिए हमारा सब्जी भुन गया है, अब इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी। सब्जी में मसाला कम है, बड़े खिचड़ी में लाल मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और ये है हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये सब्जी में हमने पानी ऐड कर दिया है, इसको हम ढकेंगे थोड़ा देर, जो सब्जियां कच्ची रह जाएगी वो भी पक जाए अच्छे से। ये देखिए हमारी खिचड़ी में सीटी लग गया है, उबल गया है ये, और हमारा ये सब्जी भी तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम खिचड़ी को ऐड कर देंगे। ये देखिए खिचड़ी हमारा बन के रेडी हो चुका है। हमने नमक इसमें कम ऐड किया था सब्जी में, इसलिए हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और खिचड़ी में कभी भी ठंडा पानी ना डालें, पानी को गर्म करके, अगर पानी कम लग रहा है तो पानी गर्म करके आप ऐड कर सकती हैं, या आपका अंदाज सही है तो जो सब्जी में पानी डाल रही है उसको ही ज्यादा कर सकती है। जैसे हमने सिर्फ सब्जी में ही पानी डाला, बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आप देख सकते हैं हमारा मसालेदार खिचड़ी बन के रेडी हो चुका है। इसमें हमने प्याज ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है, गोभी ऐड किया है, मटर ऐड किया है, बाकी आपको जो सब्जी पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। हमने मिक्स दाल ऐड किया है और चावल है। ये देखिए हमने जीरा और लहसुन ले रखा है ऑयल के अंदर, इसको हम तड़का लगाएंगे। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक गैस पे ऑन करके रखेंगे। ये देखिए हमने लहसुन और जीरा का तड़का लगा लिया है, और गैस को हम बंद करेंगे और इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे इसे ढक के, और एक मिनट के लिए इसे हम छोड़ के रखेंगे। फिर ये हमने तड़का लगा दिया है, अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। हमारा मसाला खिचड़ी बनके तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। बहुत इजी और बहुत हेल्दी अच्छा रेसिपी है। इसमें हर चीज, सब्जी, आप बच्चे अगर खाते हैं उसको सब्जी और दाल सब कुछ मिलेगा जो हेल्दी होता है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। और बहुत ही अच्छे से ये बना सकती हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, टाइम भी कम लगता है और बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं। आप इसे खिचड़ी को पापड़ और अचार या भरता बना सकती है, आलू बैंगन के भरते के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा अगर ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, अगर ये हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।